नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज़। मैं रिजवी। जैसा कि बिहार में जो सियासी पारा है, जो सियासत का जो गर्मी है, वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। आज विधानसभा सत्र का लास्ट दिन, मतलब आखिरी दिन था, और उस बीच आज एक और राजद विधायक जो है वो बीजेपी के खेमा में जाके, सत्ता पक्ष के खेमा में जाके बैठ जाते हैं। ये लगातार आरजेडी के जो विधायक है, टूट का सिलसिला जो जारी है वो लगातार चल रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा था खेला होगा, लेकिन यहाँ तेजस्वी प्रसाद यादव के ही साथ, यानी आरजेडी पार्टी के साथ ही आरजेडी विधायक खेला कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में चले जा रहे हैं। अब देखने वाली बात है, 3 मार्च को गांधी मैदान बड़ी महारैली होने वाली है, और उस बीच लगभग 5 विधायक आज शामिल हो चुके हैं, ऐसा पूरी तरीका से संभावना हो चुकी है। अब देखने वाली बात है कि आगे इस राजनीति किस करवट लेती है और क्या होने वाला है। बिहार के राजनीति में दल छोड़ने का जो लगातार खेला जारी है, तो करवार को बिहार विधानसभा में एक बार फिर राजद को बड़ा झटका लगा है। राजद के भभुआ विधायक भरत बिंद ने पार्टी छोड़ दिया है। भरत बिंद ने सत्ता पक्ष का दामन थाम लिया है। 15 दिनों में राजद में ये 5वीं टूट है। इससे पहले 4 और विधायक जो राजद से संबंध थे, उन्होंने सत्ता पक्ष का दामन थाम लिया था। वहीं कांग्रेस के 2 विधायक पाला बदलते हुए एनडीए में शामिल हो गए थे, जब विपक्ष की जगह सत्ता पक्ष में बैठ गए थे भरत बिंद। शुक्रवार को विधानसभा में विधायी कार्य के अंतिम दिन, मतलब शुक्रवार को विधानसभा का विदाई था, आज लास्ट आखिरी दिन था।